सर मेरा यही था कि मुझे पैसठ क्वेश्चन नहीं बनाना मैं बस 54-55 क्वेश्चन बना के फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन बना एकदम करेक्ट करने हैं वो यस मेरा वही मोटिवेशन था कि बस एक्यूरेसी में गड़बड़े एक्चुअली मैंने जो नोट्स बनाए थे ना जो आपने कहा था कि उसे कंसाइज वे में बनाना मैं सर मैंने यही नहीं बना पाया था मैं लेंदी बनाने के चक्कर में सर रिविजन करना भी मेरे लिए वो मुश्किल हो जा रहा था तो इस वाले जो में मैंने ये किया कि उन्हें कंसाइज बनाने की कोशिश की मैंने एक अलग से नोट तैयार कि अगर आप अपने एक साल बचाना चाहते हो दो साल बचाना चाहते हो तो कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें मैंने मैंने एक साल ही चेक कर दिया और रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन इज वेरी लाइक आपको रिवीजन भी साइड बाय साइड करते बाई सबसे पहले तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाया था लाइक like, उसमें मैं जितने भी एफ एल देता था तो उन सबको मैं जॉट डाउन कर दिया करता था कि सारे डिटेल्स तो उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बना दिया करता था और उसमें मैं टॉपर्स के मार्क्स और अपने मार्क्स को लिखता था फिर टॉपर्स के डिफरेंस को भी डाल देता था मेरा एक्यूरेसी क्या है ये मैं डाल दिया करता था तो मेरा मेन फोकस ये था कि मेरा मार्क्स और टॉपर्स के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कम होते जाना चाहिए जैसे जैसे मैं टेस्ट देता जा रहा हूँ और hmm. मेरा एक्यूरेसी से नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे शुरू में ये hmm. टारगेट प्रॉब्लम थी कि मैं रिवीजन को टाइम नहीं दे रहा क्वेश्चन तो बना ले रहा था लेकिन जो hmm. पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो मैं फिर से बोल जा रहा था तो वो मुझे उनके लिए बार बार मुझे लेक्चर सीखने पड़ जा रहे थे कंग्रेचुलेशन और सच अ ग्रेट रैंक इन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर थैंक यू सर अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बताओ कहाँ से हो कहाँ से इंजीनियरिंग हुई ओके okay, सर सर मेरा नाम मृणाल बैंक है और मैं हजारीबाग झारखंड में रहता हूँ mm -hmm. और सर मैंने मैकेनिकल uh, इंजीनियरिंग किया है बी आई टी मिस्रा से एंड mm -hmm. मैं टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन का पास आउट हूँ और सर uh, उसके बाद मैंने सर फिर मैंने गेट के एग्जाम्स भी दिए थे uh, mm -hmm. एक ट्वेंटी 20, एक ट्वेंटी ट्वेंटी वन में फिर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एंड देन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में एंड अच्छा हुँ. एंड मैंने मेरा सर कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था तो वो सर मैंने लाइक छः महीने मैंने किया था वो जॉब को फिर आई वाज लाइक बर्न आउट सो आई डिसाइडेड टू लाइक राइट गेट एग्जाम ओके तो ये 2021 के अटेम्प्ट की बात है मतलब कौन सा अटेम्प्ट तुमने आ, एकदम लग रहा है कि प्रॉपर तैयारी के साथ दिया था कौन सा था वो फर्स्ट अटेम्प्ट सर दिस इज द करेंट अटेम्प्ट दैट आई टू एक्चुअली अच्छा करंट अटेम्प्ट yeah. तो इससे पहले yeah. लेकिन जब तुमने आई थिंक वीडियो कोर्स कौन से ईयर में लिया था लास्ट ईयर में सर मैंने लिया था इन द इन द मई ऑफ 2022 मैंने परचेज किया था एक्सर्जिक का uh, वीडियो कोर्स तो इस इसे मैंने सर मैंने पूरा कंप्लीट किया था तो सर मुझे कम से कम ये दिसंबर हो गया था मतलब मुझे कंप्लीट करते-करते दिसंबर महीना पहुंच गया था oh. तो मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला ओके ओके, ओके वाई, 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 वाई। वाई मुझे लगा कि कैसे उसमें उसमें वो क्यों सीरियस नहीं हुआ। तो, तो ये रीजन रहा कि सर। ही लेट येस। हुआ। येस। तो ऐसा होता है बच्चों के साथ टिप्स है वो हेल्प करेगा उनको बेसिकली मैं कंसिस्टेंट था नहीं मेरे एंड पे दिक्कत है Hmm. उस चक्कर में सर oh. मैंने oh. दिसंबर के एंड तक मुझे लग गया और उसके बाद प्रैक्टिस में तो इससे मतलब okay, मतलब, hmm. पहले वाला जो अटेम्प्ट था वो सिलेबस कवर hmm. करने में चला गया मेनली बिकॉज कंसिस्टेंट नहीं रह पाए ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे चलता रहा यस सर यस सर हो गया तो ऐसा क्यों हुआ लेकिन तुम फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे ये सर मैं फुल टाइम प्रिपेयर तो कर रहा था लाइक like मेरा मैं हार्ड वर्क तो कर रहा था पर आई थिंक मेरा जो मैं फोकस फोकस नहीं कर पा रहा था लाइक मैं क्वेश्चन तो बना रहा था मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बना ले रहा था पर रिविजन रिवीजन को टाइम नहीं दे पा रहा था मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी कि मैं रिवीजन को टाइम नहीं दे पा रहा था क्वेश्चन तो बना ले रहा था लेकिन जो पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैं फिर से बोल जा रहा था तो वो मुझे उनके लिए बार बार मुझे लेक्चर देखने पड़ जा रहे थे बच्चों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना और उसको रिवाइज करते रहना यस सर यस सर करेक्ट बोलो बोलो कुछ बोल रहे सर एक्चुअली मैंने जो नोट्स बनाए थे ना जो आपने कहा था वे में बनाना सर मैं यही नहीं बना पाया था मैं लेंदी बनाने के चक्कर में सर रिवीजन करना भी मेरे लिए वो मुश्किल हो जा रहा था तो इस वाले जो अटेम्प्ट में मैंने ये किया कि उन्हें कंसाइज बनाने की की कोशिश मैंने एक तैयार किए और सर इसके जाके फिर मेरा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि सुनने में बहुत बोरिंग लगती हैं कि क्या नोट बनाएं उसको रिवाइज करें बट उससे देखिए आपका पूरा एक अटेम्प्ट भी अफेक्ट हो सकता है कितना सीरियसली तो yes, एक sir. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की एज एज वेल जो hmm. uh, मृणाल ने कहा कि लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स का जो डिफरेंस है yes, कि आपने लॉन्ग नोट्स उस वक्त आपको लगता है कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है सब लिख लो सब कुछ yes, लिख, लिख लेता हूँ नोट्स में बट yes, रिविजन yes, के वक्त वो दिक्कत hmm. है रिविजन में आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फिर मृणाल ने उन लॉन्ग नोट्स को कंसाइज नोट्स hmm. में कन्वर्ट किया जैसा yes, जो हाँ कुछ बोल रहे थे क्या सर सर इनके अलावा मैंने मतलब एक न्यूमेरिकल नोट्स भी बनाया था इसकर, इस इस अटेम्प्ट में जो भी मैं मतलब न्यूमेरिकल से सीखता था या जो भी मैं एफेल्टी वगैरह देता था तो उसे मैं एक, एक छोटे से कॉपी में लिख दिया करता था ताकि मैं बार बार मैं, जो भी मैं मतलब एफेल्टिक्स से सीख रहा हूँ उसे मैं मतलब उसी में उसे डाल दिया करता था और उसको क्या फ्रीक्वेंसी पे रिवाइज करते थे कैसे मैनेज करते थे कि शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल नोट्स दोनों का रिवीजन हो सके सर एट द एंड लाइक जब मैंने चालू किया था ये एफ का प्रिपरेशन करना तो बेसिकली मेरा ये था कि सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पे जाता था फिर किसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं फंस गया मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं वापस से नोट्स पे जाता था और नोट्स को गो थ्रू करता था फिर देखता था कि जब मुझे क्लियर हो रहा है तो उससे रिलेटेड मैं फिर क्वेश्चन बनाता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस एंड फिर जब वो क्लियर हो जाता था तो मैं मतलब फिर से एफ वगैरह इसी तरह से मैं मतलब अटैम्प्ट uh, करता था अच्छा यानी कि जो नोट्स है और पीवाई क्यू है इनके कॉम्बिनेशन को यूज किया सेलेक्टिव रिवीजन करने के लिए कि कहीं कहीं लग रहा है कि टच खत्म हो रहा है वैसे तो देखो जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट में ऑटोमेटिक एक रिविजन भी है वो क्योंकि उसमें रिविजन मतलब क्या आपके दिमाग को रिकॉल करनी है कोई चीज आंखों के थ्रू या खुद से याद करके उससे वो और रि हो जाता है माइंड में तो yes. क्या है कि या आप रिवाइज कर रहे हैं या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दोनों ऑलमोस्ट yes. सिमिलर कर देते हैं इन अ वे yes. तो एफ देने से वगैरह होता है बट कहीं लगे क्योंकि क्या है कि टेस्ट में तो 65 ही है। yes. एक सब्जेक्ट के लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे लिमिटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं एक सब्जेक्ट में yes. हो सकता है कि पांच छह सात टेस्ट से एक कॉन्सेप्ट नहीं आया तो दिमाग ने उसको भूलना शुरू कर दिया yes. तो yes. फिर कैसी टेस्ट में आएगा तो फिर वो आपको याद दिलाएगा हम भी हैं हम भी हैं तुम्हें भी रिवाइज करो तो yes. जरूरी चीज़ है अच्छा yes, इसमें जो मार्क्स बनते थे मिर्णाली टेस्ट वगैरह में वो कैसे मार्क्स आते थे तुम्हारे उसको लेके क्या मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ ऐसा फील होता था सर इनिशियली तो मेरे मार्क्स अराउंड अराउंडी के अराउंड आ रहे थे 40, 41, 42. फिर hmm. मैंने सोचा कि अगर मैं फोर्टी ला सकता हूँ तो फिर फिफ्टी लाने की कोशिश करूंगा मैं स्लोली अपने आप को स्मॉल टारगेट दे रहे तो फिर मैंने धीरे धीरे वो एट एंड जाकर वो अराउंड सेवेंटी पहुंच रहा था

और अपने मार्क्स को लिखता था फिर टॉपर्स के डिफरेंस को भी डाल देता था मेरा एक्यूरेसी क्या है ये मैं डाल दिया करता था तो मेरा मेन फोकस ये था कि मेरा मार्क्स और टॉपर्स के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कम होते जाना चाहिए जैसे जैसे मैं टेस्ट देता जा रहा हूँ और मेरा एक्यूरेसी एटी परसेंट से नीचे नहीं जाना चाहिए मेरा शुरू का ये टारगेट था तो शुरू में तो सर मेरा एक्यूरेसी काफ़ी खराब रहा लेकिन धीरे धीरे सर मेरा ये था कि कोशिश यही था कि सर एक्यूरेसी पर मेरा ज़्यादा इन्फेजिस था मतलब और

Mm -hmm. तो इस बार भी जैसे कुछ लेंथी क्वेश्चन आ गए mm -hmm. वहाँ mm -hmm. तो yes. yes, mm -hmm. yes, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है माइंड में mm -hmm. तो तुम्हारे यहाँ क्या रहा तीन घंटे की कहानी इस बार की सर मैंने वही जो आपने बताया था ना वो थ्री फेज रूल मैं उसे अप्लाई mm -hmm. किया मैं वो वीडियो देख के गया था एग्जाम से पहले

जितना जल्दी समझ आए उतना अच्छा रहेगा की एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है गेट में आप हो सकता है आपने एक आध टॉपिक में आप थोड़े वीक हो कुछ लग रहा है आपको यार दो तीन टॉपिक मैंने नहीं पढ़े के लिए Obviously, छोड़ो मत पूछ बट उसको लेके बहुत हवा मत बनाओ दिमाग में डोंट पैनिक फॉर टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है उसको कोशिश करो कि एकदम एक्यूरेसी के साथ ना कोई सिली मिस्टेक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मिस्टेक कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना करो आप ऑटोमेटिकली एक टॉप रैंक लेके आओगे गेट में नहीं। नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलो बोलो कुछ बोल बोलते और और सर मैं मेरा ये विकनेस था अराउंड सिक्सटी को में टच कर ही नहीं पाया मतलब जब भी मैं अटेंट देता था मैं जानता था कि मैं अराउंडी फोर फिफ्टी फाइव मैक्स टू मैक्स में तक गया था

लेकिन मैं जैसे बताता हूँ मैं दो दिन पहले गेट एग्जाम से दो दिन पहले मेरे एक बार सडनली मार्क्स फोर्टी आ गए तो मुझे लगा कि कि कोई बात नहीं इससे पहले तो मैं सेवेंटी रहा अभी फोर्टी आ रहा है फिर उसके बाद मैंने फिर से एक एग्ज़ाम दिया फिर उसमें मेरा सेवेंटी आ गया तो मुझे लगा कि वो एक सिंगल एफ मतलब मेरा वो डिसाइड नहीं कर सकता मेरे प्रिपरेशन तो मैंने यही सोचा कि अब मैं मैंने मतलब एक दिन पहले तक तो भी मैं एफ दे रहा था मुझे लगा तो मैं मुझे मेन है कि मुझे माइंड को बना बनाना है कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता वैसा वाला बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स तो, भेल्कुल, हाँ। तो आ, हाँ। मतलब बट आपको समझना है कि होता है लेवल ऊपर नीचे टेस्ट एक जैसे थोड़े ना होते तो उस चीज को समझना है और अपने पे अब जैसे टॉपर वाली जो पॉइंट बोला मृणाल ने वो इम्पोर्टेंट क्यों है टॉपर के मार्क्स आपको देख के ये आपने सोचा कि हाँ मैं गैप कम करूं उसका hmm. ना कि उसको लेके स्ट्रेस होने लग गए कि अरे उसके तो इतने इतने आ आ रहे हैं, मेरे इतने क्यों आ रहे हैं हैं मेरे क्यों आपने अपने आप को एक टारगेट दिया कि मुझे इस टारगेट को धीरे धीरे क्लोज करना है कम करना है दैट्स अ पॉजिटिव अप्रोच नेगेटिव अप्रोच ये है कि स्ट्रेस ले रहे हैं उसके लिए कि hmm. यार मेरे से नहीं हो रहा किसी और से हो रहा है hmm. तो हर एक सिचुएशन को अप्रोच करने के देर आर मोर देन वन वन वेज यू चूज द पॉजिटिव वेट और कुछ माइंड में आ रहा है जो बताना चाहो अब छोटा भाई समझ के बाकी एस्पेरेंट्स को सर ये कि अगर आप अपने एक साल बचाना चाहते हो दो साल बचाना चाहते हो तो कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ रहना पड़ेगा यस ये, बिल्कुल तो एक बहुत ही एक फुल सर्कल हो गया हमने सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो यही किया था और एंड में भी एक बार फिर से वो पॉइंट आया है कि आपको इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंट रहो रिवाइज करो जिससे आपका पूरा साल सेव होगा आपको अभी लग रहा होगा कि क्या कीमत है साल की बट आप समझोगे जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी और आप उस पीएसयू और उसके जो लिमिट है उस तक पहुंचने लगोगे तो फिर आपको उसकी कीमत पता चलेगी एक साल की तो नहीं। नहीं। अच्छा लगा बात करके तुमसे मृणाल कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड आई विश यू करियर थैंक यू सर